हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पांच ऐसी बेस्ट वेबसाइट्स के बारे में जहां पर आप एक ऑनलाइन टीचर की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि आपको यहां पर ऑनलाइन पढ़ाना है और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पांच बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बताए हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। वो सारे प्लेटफॉर्म्स तो बेस्ट है ही, साथ ही साथ ये सारी की सारी जो साइट्स हैं, ये वेबसाइट्स भी बेस्ट हैं। तो अब आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं कि आप इनमें से कौन सी वेबसाइट्स का, कौन से प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं ऑनलाइन ट्यूटर बनने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो पहला वेबसाइट है जो कि बहुत बेस्ट रहेगा ऑनलाइन टीचर्स के लिए, वो है guruSiksha.com। मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग भी, guruSiksha.com। ठीक है, guruSiksha.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। यानी कि आप जब इस वेबसाइट पर एज अ ट्यूटर यानी कि एज अ टीचर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे भी पहले से होते हैं जो कि इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके हैं। तो जब वो आपका अकाउंट देखते हैं, भाई देखते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो अब वो आपको अप्रोच कर सकते हैं आपका जो प्रोफाइल है उसको देखकर कि भाई हमें भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है guruSiksha.com। guruSiksha.com पर जब आप सर्च करते हैं तो आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर। तो आपको तो टीचर की तरह करना है, तो आप एज अ टीचर वहां पे रजिस्टर करेंगे। कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है पहले, जैसे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप भर देते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम का एक मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब आपके पास कॉल आएगा। और फिर जब आपके पास कॉल आता है तो आपको आगे की सारी प्रोसेस समझा दी जाती है कि इस तरीके से अब आपको आगे काम करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास एक लैपटॉप रहता है तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि भाई आपके पास एक लैपटॉप हो या फिर पीसी हो जहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही बेस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आप लोग बना सकते हैं। तो आपको एज अ ट्यूटर यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। ठीक है, क्या नाम है, guruSiksha.com। जो दूसरा वेबसाइट है वो मैं बता देती हूँ, टीचर ऑन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में टीचर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि एक जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इस सब्जेक्ट में जो है मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे से पढ़ सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है और जो भी मेरे को पढ़ाना चाहता है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करे, जो भी इस सब्जेक्ट में अच्छा है, टीचर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। आप को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, या आपकी जावा, HTML, इस टाइप के सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप टीचर ऑन पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना है teacheron.com करके सर्च करना है, तो आपके पास पूरी की पूरी जानकारी भी आ जाएगी और आपको रजिस्टर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी दूसरी चीज़ में भी बेस्ट है, जैसे अगर आप गाना मतलब सिंगिंग के टीचर हैं, म्यूज़िक के, तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एज अ टीचर रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया टीचर ऑन। जो थर्ड वेबसाइट है Udemy.com एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने एक पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है। ये वेबसाइट तो उस जो वो वाली वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से पेमेंट मिलती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर मैं एक मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ कि Udemy.com पर करना क्या होता है।
Udemy.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कोर्स बनाने होते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, जैसे आपको कुकिंग आती है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, आपको कोई भी चीज़ आती है, आपको ऐप डेवलपमेंट आता है आपको, या आपको जावा C++ जो भी आपको आता है, ऐसी आपको वीडियोज मतलब इस चीज़ से रिलेटेड, ये जो टॉपिक आपको आता है जिसकी अच्छी से गहराई से डीप नॉलेज है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक कोर्स तैयार करना होता है। एक कोर्स जो होगा उसमें आप 5 से 6 वीडियोस बना सकते हैं या इससे भी ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें कि आपको उस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना होगा, यानी सारी चीज़ें जो आपको सिखानी है आपको इन वीडियोस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है और लोगों को सिखानी है वो चीज़, ठीक है। तो आपको ये कोर्स जब आप udemy.com पर डालते हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके कोर्स में वो आपके कोर्स को ख़रीदते हैं, ठीक है। तो आपके कोर्स को ख़रीदते हैं तो इससे आपको पेमेंट होती है, भाई जिस तरीके से ख़रीदेंगे जितने रुपए में, उसका पेमेंट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है पहले ही दूसरे वीडियो में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बार मेहनत करनी है और आपको इसकी अर्निंग लगातार आने वाले टाइम में भी होती रहेगी। जैसे आपने एक बार कोर्स जनरेट कर लिया, एक बार वीडियोज़ बना दी, यहाँ पर डाल दी, तो अब आने वाले टाइम में भी आपको इनकम हो सकती है। आने वाले टाइम में लोग आपकी जब कोर्स को देखेंगे देंगे तो आपको इनकम होगी। जैसे मान लीजिए आपने आज कोर्स डाला है, ठीक है, और फिर आपके धीरे धीरे कोर्स बिकते हैं, लोग आपके कोर्स को पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपने बहुत अच्छा कोर्स डाला है तो लोग खरीदेंगे, है ना। उसके बाद आपको बहुत अच्छी रेटिंग्स मिल रही है कि भाई ये कोर्स तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू लोग दे रहे हैं आपके कोर्स के लिए, तो धीरे धीरे आपका जो कोर्स है वो आप और ज़्यादा बिकने लगेगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यानी आगे आने वाले टाइम में भी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। एक बार कोर्स बनाना है और आप आगे आने वाले टाइम में भी अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली ये एक YouTube की तरह ही काम करता है। जैसे YouTube पे भी हम वीडियोस डाल देते हैं और लोग आते आते हमारी वीडियोस काफ़ी लंबे टाइम तक देखते हैं, उसी तरीके से udemy.com पर भी काम होता है, ठीक है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चौथा जो प्लेटफॉर्म है वो है meritnation.com। मेरिट नेशन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी होती है। टीचर्स की जो अर्निंग होती है, ट्यूटर्स की जो अर्निंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर, और आपका जो है इंटरव्यू वगैरह होता है। पूरे प्रोसेस के बाद आपको जब यहाँ पे टीचर आप लोग बन जाते हैं तो आपको जो है स्काइप के थ्रू लाइव आकर पढ़ाना होता है, ठीक है। सारी क्लासेस लाइव होती हैं, आप अपने जो बच्चे हैं उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कि आप लाइव आकर पढ़ा सकें, ठीक है। तो एक लैपटॉप तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, तो लैपटॉप के थ्रू पढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और अपने बच्चों के जो आपके बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, उनके जो डाउट्स होंगे या जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको आपको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर आपको घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। मेरिट नेशन वाले आपके टाइम की कदर करते हैं कि आप अपने टाइम में आकर बच्चों को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती है घंटे के हिसाब से, तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पाँचवा है वो है ट्विटर विस्टा। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। हर महीने आप यहाँ पर जो है 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं, तो एक अच्छी बात है ये। और बेसिकली ये क्या होता है ना कि आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये शायद USA की कोई कंपनी है जो कि ये प्लेटफॉर्म चला रही है, उनकी ही ये वेबसाइट है। तो आप अगर इंडियन भी है, इंडियन ट्विटर्स के लिए भी ये अच्छा है, आप भी यहाँ पे जो है जा सकते हैं और जाकर जो है एज अ टीचर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग अच्छी है। इनकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं अपने टीचर्स के लिए, जैसे कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर आपकी है तो ही आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं काम। और इसके अलावा शायद बीटेक वगैरह के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको भी ये लोग जो है थोड़ा सा अच्छी वो देते हैं, ठीक है, मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यही कुछ 5 वेबसाइट्स थी। इनके अलावा तो बाकी वेबसाइट्स का मैं जिक्र पहले ही कर चुकी हूँ, जैसे चेक वगैरह है ना, अन अकेडमी, वेदांतु, ये सारे भी बेस्ट हैं। तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप वहाँ पे एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं, एज अ टीचर काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, थैंक यू सो मच।